हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपआउट रिसर्चर। क्या आप जानते हैं KGF 2 का एडिटर कौन है? KGF 2 का एडिटर है एक 19 साल के बच्चे। यस, एक 19 साल के बच्चे। इतने कम उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? तो कहानी शुरू होता है 2019 से। बेसिकली जो KGF 1 है उनका रिलीज होता है 2018 साल में, आप जानते हैं। उसके बाद जो उनका जो एडिटर था वो था श्रीकांत गौड़ा। तो शायद उनका दूसरा कुछ प्रोजेक्ट रहा होगा, वो काम ही करता है KGF 2 के लिए। तो इसलिए जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर का एक नया एडिटर के तलाश में थे। इस टाइम उनके नज़र में आया 2019 साल में एक फैन बेस्ड वीडियो यूट्यूब में आया था और देखे वो बहुत अच्छा लगा था। जो डायरेक्टर प्रशांत मिल है उनको, तो वो बनाया था उज्ज्वल कुलकर्णी ने। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना। तो उसके बाद प्रशांत नील ने कॉन्टेक्ट किया था उज्ज्वल कुलकर्णी से और उनको बताया गया था कि KGF 2 का जो ट्रेलर है वो एडिट करने के लिए। उज्ज्वल कुलकर्णी ने KGF 2 का ट्रेलर एडिट किया और वो भी बहुत पसंद आया प्रशांत नील को, इसलिए उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट एक 19 साल के बच्चे के हाथ में दिया था। ये सोच के नहीं दिया था ये 19 साल के बच्चे या इसके पहले कोई फीचर फिल्म में वो एडिट नहीं किया था, फिर भी उनको काम देखो उसको अच्छा लगा था इसलिए दिया गया था। तो देखिए, एक तो कि अगर स्किल है आपका, कॉन्वेंशनल एजुकेशन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। उम्र जैसा भी है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका स्किल, आप कैसे काम कर सकते हैं। ये कहानी हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए हमें एक सीख मिलता है, एक लेसन मिलता है कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आप अपने काम के ऊपर डेडिकेटेड है, पैशनेट है, तो आपका काम नज़र में आएगा लोगों का अच्छा लगेगा और आपको काम हो सकते हैं आज नहीं तो कल आपको काम मिलता रहेगा। सो फिल्म स्कूल इज़ नॉट एसेंशियल और मैंडेटरी टू गो इन द फिल्म इंडस्ट्री। हमें ये लगता था कि, या हमें लगता है अभी भी लगता है ऐसे, कि बहुत आसान हो जाता है अगर फिल्म स्कूल से कोई पास आउट होके इंडस्ट्री में जाए तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल दुनिया अलग है। अगर आपका काम अच्छा है तो अगर आप अपना काम करते रहो, आप यूट्यूब में जाते रहो या जो भी सोशल मीडिया साइट है उसमें देते रहो, अगर आपका काम अच्छा है तो आप नज़रों में आएंगे और आपका काम मिलता रहेगा या मिलेगा। सो अगर किसी का भी ये चीज एग्जाम में क्वालिफाई ना कर पाए आप, तो आप चिंता मत करना, आप अपना काम करते रहना। अगले साल, इस साल ना मिले तो अगले साल मिलेंगे, और वो भी ना मिले तो इंडस्ट्री का दरवाज़ा आपके लिए बंद नहीं है, आपके लिए हमेशा खुला है अगर आप अपना काम करते रहो तो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और फॉर योर फ्यूचर इंडिया। थैंक यू सो मच।